तो लेवल 3 का हेलमेट पहन के मैं निकल पड़ा हूँ डैम के लिए। तो रेनी सीजन में आप अगर शिमोरा डैम का टूर कर रहे हैं तो जैसे शिमोरा डैम को तो चार चांद ही लगते हैं, अगर आप अमरावती से अगर डैम की तरफ जा रहे तो लगभग आपको डैम का रास्ता 61 किलोमीटर तक आएगा। तो आप लोगों को एक्सप्लोर करना है शिमोरा डैम, आ जाओ बॉस करा दूंगा। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फालतू डिस्कशन करने के बाद मैं और मेरे दोस्त धबा धबा एक्सप्लोर करने निकल पड़े। तो इतना सुंदर नज़ारा देखने के बाद में मानो मेरी आंखें तो जैसे फटी की फटी ही रह गई। जिस दिन मैं डैम को देखने आया था तो डैम के लगभग 8 दरवाजे खुले थे और ब्रिज से दूसरी ओर जाते हुए लिटरली डैम का पानी हमारे ऊपर गिर रहा था। वैसे मैं आपको बता दूँ कि अपर वर्धा डैम अक्का नल दमयंती सागर महाराष्ट्र पे 8 नंबर पर सबसे बड़ा डैम है। वैसे ही अमरावती जिले में अपर वर्धा डैम पर्यटन स्थल के अनुरूप भी जाना जाता है, आप और आपकी फैमिली इसको एक्सप्लोर करने आ सकते हैं। डैम को विजिट करने हैं कुछ हसमुख चेहरे मैंने कैमरा में रिकॉर्ड ही कर लिए। रिंकी बबली पप्पू और आंटी शाबाश। तो डैम पर आने के बाद में यहाँ के मीठे बेर खा के नहीं गए तो क्या ही खा कर गए। तो मैंने भी मेरे सस्ते बजट के साथ मेरे दोस्तों के साथ 10 रुपये के बेर ले ही लिए। थोड़ा सा ही सामने जाते हुए मुझे मिल गए रोस्टेड कॉर्न वाले भैया। शर्म से पर्दा उठने के बाद भैया ने हमें रोस्टेड कॉर्न खिला ही दिए। उसके बाद ये डैम के ऊपर जाने की बैक साइड है और आगे यहाँ देखे तो कुछ लोगों की यहाँ पावरी चल रही थी। इस ढलान भरे रास्ते से ऊपर अथवा नीचे जाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी है, नहीं तो समझे गई भैंस पानी में। अंकिल आंटी हाथ पकड़ो, अंकिल आंटी हाथ पकड़ो, जे बात लवली कपाल, लवली कपाल, लवली कपाल। ऊपर चढ़ने की खुशी तो ऐसे मना रहे जैसे आईपीएल के चेयर लीडर हो। काफी मशक्कत करने के बाद फाइनली मैं भी ऊपर चढ़ गया मेरे दोस्तों के साथ। ये डैम के पीछे का साइड है जहाँ पे ऑफकोर्स पानी का जलाशय है। अगर आप सनसेट फ्रीक लोग हैं तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करता हूँ कि 5 से 6 बजे के बीच में यहाँ से सनसेट देखने का मजा ही कुछ और है। और लगभग थोड़ी सी ही दूर यहाँ पे शिमोरा डैम पे लोगों के सस्ते नशे भी हो रहे थे और थोड़ा सा ही आगे सामने अपने देश का भविष्य शिमोरा डैम के पानी अपने कर्मकांड एवं पाप धो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं वाटरफॉल को देखने का मजा सिर्फ एक ही गाने पे आता है, वो तो आपने सुना ही होगा, अब देख भी लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।